हेलो दोस्तों भाई, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और ये है मेरे साथ में ट्रायम्फ स्पीड 400। और ट्रायम्फ के अंदर आपको दो मॉडल नजर आते हैं, जिसमें कि पहला मॉडल है ट्रायम्फ स्पीड 400, दूसरा मॉडल है ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X। और हमारे साथ में स्पीड 400 है, इसका डिटेल बैकग्राउंड रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे, सारी डिटेल्स बताने वाले हैं। उससे पहले आपको जो ट्रायम्फ का जो शोरूम है, अब आपको गाजियाबाद के नियर बाय मेरठ रोड पे भी नजर आना नियर बाय मेरठ रोड पे भी ओपन हो चुका है गाजियाबाद के अंदर। जिन लोगों को अभी तक पता नहीं था कि ये शोरूम गाजियाबाद में नहीं है, बट अब क्या है, मेरठ रोड पे आपको ये शोरूम मिलेगा नियर बाय DPS। आप लोकेशन भी डाल सकते हैं गूगल पे, आपको उसकी लोकेशन प्रॉपर मिल जाएगी। बाकी चलिए ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, एक बाइक के ओवरऑल व्यू से स्टार्ट करेंगे। बाकी का एक छोटी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही वीडियोज के लिए हम ऐसे ही वीडियोज लेके आते रहते हैं। और पहले कम प्रेस करना ना भूलें, बाकी वीडियो को लाइक करना। तो सबसे पहले अगर आपको जो नजर आता है यहाँ आपको फ्रंट में फुली हेडलैम्प सेटअप जो है वो आपको पूरा LED नज़र आएगा, और इसके जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो आपको LED नज़र आ जाते हैं। हैजार्ड स्विच के साथ यहाँ पर ये नज़र आ जाएंगे। बाकी यहाँ पर आपको DRLs के साथ में LED लाइट नज़र आएगी फ्रंट के अंदर। और यहाँ पर आपको जो सस्पेंशंस हैं वो गोल्डन कलर के USB फोक्स नज़र आ जाते हैं, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल हैं। बाकी यहाँ पर आपको जो इंडिकेटर्स हैं उनकी पोजीशन यहाँ इस जगह पे नज़र आती है, जो कि और भी ज़्यादा स्पोर्टी फील दिलाती है। वहीं बात करूँ मैं इसके टायर की, तो यहाँ आपको फ्रंट में 110 सेक्शन का एक ट्यूबलेस टायर नज़र आ जाएगा 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ में। फ्रंट में आपको 300 mm का डिस्क नज़र आएगा। फ्रंट में आपको डिस्क के साथ में ABS ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको फाइबर और मेटल फुल कॉम्बिनेशन नज़र आता है, क्वालिटी वाइज काफ़ी बढ़िया यहाँ पर क्वालिटी निकल के। बात करिए साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल में सबसे पहले आपको फ्यूल टैंक नज़र आएगा, जिसके अंदर आपको फ्यूल टैंक के ऊपर कलर ग्राफिक्स जो हैं वो बहुत ही बढ़िया निकल के आते हैं। जैसे कि आप देखोगे 12-tone टाइप में यहाँ कलर नज़र आ जाएगा। वहीं अगर फ्यूल कैपेसिटी की अगर बात करिए, तो फ्यूल कैपेसिटी यहाँ आपको 13 लीटर नज़र आ जाती है। फ्यूल टैंक जो है 13 लीटर का है, लगभग 2.5 लीटर का यहाँ आपको रिजर्व ऑप्शन नज़र आ जाता है। बात करिए इसके इंजन की, तो यहाँ आपको 400cc का सिंगल सिलेंडर 4-valve BS6 फेज 2 इंजन नज़र आ जाता है। लिक्विड कूल होगा, 6-speed गेयरबॉक्स यहाँ पर ये प्रोड्यूस 6-speed गेयरबॉक्स यहाँ नज़र आ जाते हैं। बात करिए इसके पावर की, तो यहाँ 39.5 PS की पावर एंड 37.5 Nm का टॉर्क निकल के आता है। पावर जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया यहाँ नज़र आ जाती है। बाकी यहाँ देखोगे फ्रंट में आपको रेडिएटर भी नज़र आ जाता है, जो कि इंजन के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है, इंजन को हीटिंग से बचाता है। बात करिए साइड की पीछे की तरफ की प्रोफाइल की, तो यहाँ पीछे की तरफ देखोगे तो यहाँ आपको मोनोशॉक सस्पेंशन नज़र आ जाएगा। साथ ही साथ एग्जॉस्ट डिज़ाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट रखा गया है। बाकी रियर में आपको 150 सेक्शन का एक ट्यूबलेस टायर नज़र आ जाएगा 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ में। रियर में टायर नज़र आएगा, बाकी यहाँ पर भी आपको डिस्क विद ABS ऑफर करेगा। बाकी टायर साइज जो है वो पीछे का काफ़ी ह्यूज रखा गया है। फ्रंट और रियर दोनों ही आपको अपोलो टायर्स नज़र आ जाएंगे। बाकी बात करिए इसकी टेल लाइट की, तो यहाँ आपको फुल LED टेल लाइट नज़र आ जाती है। टेल लाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव एंड बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फील दिलाती है। टर्न इंडिकेटर्स अगेन LED नज़र आ जाते हैं। बाकी देखोगे टेल टेडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया यहाँ लुक ऑफर करता है। ग्रैब हैंडल देखोगे तो ग्रैब हैंडल आपको सिंगल नज़र आ जाएगा, जो कि पिलियन राइडर के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। और सीट का जो डिज़ाइन है वो यहाँ सिंगल सीट ऑप्शन रखा गया है, और जो टेल जो पिलियन राइडर है उसके लिए ज़्यादा ऊंचा स्टेप यहाँ नहीं रखा गया है। बाकी बात करिए इसकी सीट हाइट की, तो यहाँ आपको 795 सीट हाइट नज़र आ जाएगी, 178 mm ग्राउंड क्लियरेंस नज़र आ जाता है। शॉर्ट हाइट राइडर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हाइट हो बहुत ही ज़्यादा अच्छी सीट हाइट हो जाती है। शॉर्ट हाइट राइडर को किसी भी तरीके की इस बाइक को चलाने में प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अभी अगर बात करिए इसके ओवरऑल ऊपर से लुक्स की, ओवर से डिज़ाइंस की, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का ओवरव्यू नज़र आ जाता है। बाकी यहाँ पर यहाँ से आप देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छा फील आएगा यहाँ इस बाइक के इस वाले लुक को देखने में। बाकी अगर बात करूँ इसके हैंडल बार की, तो यहाँ आपको सिंगल पाइप हैंडल बार नज़र आ जाता है, जिसके अंदर सारे स्विचेस नज़र आ जाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ यहाँ देखने मिलता है टर्न इंडिकेटर्स, लाइक ये आई बटन, इसके अंदर बोर्ड वगैरह होंगे उसको सेटअप करने के लिए। बाकी आगे की तरफ आपको पासिंग लाइट नज़र आ जाएगी। वहीं यहाँ देखोगे हाई बीम लो बीम, दूसरी तरफ आपको नज़र आ जाता है इंजन के स्विच विद यहाँ पर सेल्फ और पार्किंग लाइट यानी कि हैजार्ड लाइट, ये ऑप्शन नज़र आ जाता है। बात करिए इसके मीटर की तो यहाँ आपको एक सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नज़र आ जाता है, जिसके अंदर स्पीडोमीटर यहाँ सुई नज़र आएगी, जिसके साथ ही साथ आपको एक डिस्प्ले नज़र आ जाती है, जिसके अंदर आपको लाइक फ्यूल ऑप्शन, गेयर ऑप्शन जैसे फीचर्स नज़र आ जाते हैं। और यहाँ देखोगे
कुछ चीजें आपको नॉर्मली ब्लिंकर्स में नजर आती हैं, जैसे कि ये हो गई इंजन लाइट, TCS, ABS, और यहाँ आपको हैजार्ड का ब्लिंकर नजर आ जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको रिजर्व भी देखने के लिए मिल जाता है। सबसे बढ़िया चीज इसकी लगती है की जो है बहुत ही ज्यादा प्रीमियम फील दिलाती है, देखने में बहुत ही ज्यादा बढ़िया इसकी की लग रही है। बाकी अभी अगर बात करी जाए इसकी, एक बार मैं आपको साउंड सुना के दिखा देता हूँ कि साउंड के हिसाब से कैसा इसका साउंड निकल के आता है। तो अभी इसको हम नॉर्मली स्टार्ट कर लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सिंगल टच में इजीली स्टार्ट हो जाएगी। चलिए इसको रब करते हैं, चलिए इसको रब करते हैं। साउंड जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया निकल के आता है। बाकी जब रब करते हैं तो और भी ज़्यादा ऑसम फील आता है इसके साउंड में। बाकी इसकी सीट हाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, उसका एक प्रॉपर एक सीट हाइट वीडियो हम आपके लिए अलग से लेके आएंगे। अभी बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो प्राइस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ये तो एक्स शोरूम, यहाँ पर आपको 2,34,500 एक्स शोरूम नज़र आ जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया प्राइस निकल के आता है। बाकी की किसी भी तरीके की जानकारी अगर मैंने इस बाइक से रिलेटेड मिस की है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, और बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ में।